माशाल्लाह से मेरा दूसरा पराठा जो है वो भी रेडी हो चुका है, तो अभी उसको उतार लेते हैं नीचे। बिस्मिल्लाह। और ये है मेरा तीसरा पराठा, तो माशाल्लाह से अंदर से भी बड़ा ही मजेदार किस्म का ये डबल पराठा तैयार है, डबल पराठा तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोपहर का टाइम है कैसे, और दोपहर का टाइम है तो सब ने आज फरमाइश की है कि आलू के पराठे बनाए जाए, तो मैंने कहा कि ठीक है। और मेरी सिस्टर लोग कहीं गए हुए थे वो भी आ गए हैं, तो मैंने कहा कि आलू के पराठे बना लेते हैं दोपहर में। वैसे भी आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ी देर पहले ही सूरज निकला है, तो जब सर्दी हो तो आलू के पराठे चाहे सुबह हो जाए दोपहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्दी में आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आलू जो है ना वो मैंने उबाइल करके रखे हुए हैं, उबाइल होने के लिए रखे हुए हैं चूल्हे के ऊपर। और इस साइड पे मैं तैयार कर रही हूँ मसाला, तो ये मेरे पास कुछ धनिया है इसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले जो है ना हरी मिर्चें उनको काट के पीस लेते हैं। मोहम्मद उज़ैफा जो है ना वो भी मेरे साथ देने के लिए आया बैठा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मुझे तंग कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना हरी मिर्चें उनको काट लेंगे ताकि फिर अच्छी तरह से इनकी कुटाई हो जाए। मोहम्मद शुभान जो है वो बर्गर खा रहा है, उसकी तबीयत पहले खराब थी लेकिन शुक्र है कि आज वो बेहतर हो गया, भूख निकली और खुश बैठा है। ये आपसे सलाम दुआ कर रहे हैं। अच्छा जी, तो सब्ज़ धनिया जो है, सब्ज़ मिर्चें जो है ना उनकी पिसाई हो गई है, तो अभी जो है ना बारी आती है खुश्क धनिया और सब्ज़ धनिया की। साथ में सब्ज़ धनिया, तो खुश्क धनिया जो है ना वो पराठियों या पकौड़े बहुत ही उम्दा इनकी जो खुशबू है और जायका होता है, पकौड़ों में हो चाहे पराठों में हो, खुश्क धनिया बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा जी, तो सब्ज़ धनिया और खुश्क धनिया जो है ना उसको उनको भी मैंने पीस लिया, तो अभी हम डालेंगे इसमें दड़ा मिर्च थोड़ी सी, नमक, और हल्दी, इनको कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह से मेरे आलू जो हैं वो भी बॉईल हो गए हैं, तो अभी इनको निकाल लेते हैं बाहर ताकि ठंडे हो जाएं, और जल्दी से हम छील के जो है ना मसाला तैयार कर लें। इधर छिलका कुछ तो इधर ही उतर गया है। मोहम्मद सुबहान इधर धूप पे खेल रहे हैं और मेरी तरफ जो है ना आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप उधर ही बैठे रहिए। मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद किधर जाना है, किधर जाना, किधर है मेरे साथ आना। हाँ जी, काम करवाना चाहता है। मोहम्मद उज़ैफा जो है ना वो कहीं चला गया, शायद अपने नानों की तरफ चला गया, फजर और फाइका भी दोनों भी तो उन्हीं के साथ चला गया। और ये जो है ना ये कह रहा कि अभी मैं भी चलना स्टार्ट कर दूँ और आपके साथ काम करवाऊँ। सारे मैंने छील लिया, तो अभी जल्दी से इनको पीस लेते हैं। हाँ जी, बच्चे भी पहुँच आए और फाइका को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि ये स्कूल गई हुई थी, स्कूल से थोड़ी देर पहले ही आई है। असली तवा जो है ना हमने ऊपर चढ़ा दी है, ये हमारे पास घी है, तो सबसे पहले जो है ना मसाले में घी डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। सही हो गया।
देख के ना बड़ा थोड़ा हो जाता है। अच्छा जी, तो पेड़ी खाने को देख के एक्साइटेड हो जाता है। अभी जो है ना मसाला लगाएंगे इस छोटी सी पेड़ी में। हाँ जी, आटा है। सारी हमारी जो फैमिली है ना वो बैठी हुई है चूल्हे के पास पास। अच्छा जी, तो पेड़ियों में भी मैंने मसाला डाला था और अभी एक साइड पे डाल दिया है, वो भी जल्दी से जो है ना पराठा मिलना शुरू करते हैं। मोहम्मद सुभान जो है ना वो इधर बैठा हुआ, तो मैं कहूँ कहीं चीज ना जाए दीजिए फजर भाई को, तो देखो तो सबसे पहले जो है ना तवे पे लगा लेंगे घी। आग तेज है। हाँ जी, आग तेज होगी तो आग जो आस्ता कर लेते हैं और इस साइड पे लगा लेंगे घी। चलो अच्छा जी, तो पराठा जो है ना वो हमारा पकने को तैयार है, तो इस पे लगा लेंगे घी। अभी जो है ना मैं दूसरे पराठे की तैयारी कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार किस्म का हमारा पराठा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो ये जो है ना पराठे सर्दियों में हमें बहुत पसंद होते हैं, बल्कि हमें नहीं सबको बहुत पसंद होते हैं, तो खाने चाहिए। हाँ जी, अभी तो हम लोग खा भी नहीं रहे हैं, अभी हम कम खा रहे हैं क्योंकि आलू बहुत महंगा है। और जब हमारे इलाके का आलू है ना, हाँ जी, फिर हमने ज्यादा बना, तब तो गर्मी शुरू हो जाएंगे, गर्मी में फिर पराठे अच्छे नहीं लगते ना, फिर जलन होती है, अभी ज्यादा बनाते हैं। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से मेरा दूसरा पराठा जो है वो भी रेडी हो चुका है, तो अभी उसको उतार लेते हैं नीचे। ये है मेरा तीसरा पराठा, तो माशाल्लाह से अंदर से भी बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ये डबल पराठा तैयार, ये डबल पराठा तैयार हो गया है। चलो जल्दी से बाबा को बुलाओ, जाओ भाई का फजर, फजर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, ये खुद ही खाने बैठ गया। जी यार, सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अच्छा जी, तो सबको जो है ना पराठे दे दिए हैं और अभी रहती हैं मेरी सिस्टर और मोहम्मद सुभान, तो उन्हें भी दे देती हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी देर से वो वेट कर रहे हैं, तो लस्सी तो आपने डाली नहीं है। लस्सी मैं खुद ही डाल देती हूं। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का पराठा जो है ना हमारा तैयार हो गया। खूबसूरत भी है और खाने में भी बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह, जब मैं खाऊंगी तो पता चलेगा। तो आप भी इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं ख़त्म और हम जल्दी से पराठे की तैयारी खाने की करते हैं और मोहम्मद सुभान खाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी खा रहा है। ये जो पकाने वाले होते हैं उनकी बारी तो जाहिर है हैंड में ही आती है। हाँ जी। बहुत ही जबरदस्त होते हैं हमारे जो तैयार हुए माशाल्लाह, तो एंड भी आप ही खा ले। अच्छा जी, तो बस एक मैं ही रहती हूँ, ये मैंने काफी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और ये भाई भी है जो है वो है मेरा पराठा, तो आप एंड कर ले। तो ये थे हमारे आज के मजे के पराठे, हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किए हैं, तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें। आज की वीडियो यहीं तक थी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ये पराठा खाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मोहम्मद सुबान जो है वो खेल रहा है, अभी वो ऐसे हिलता है तो ये चारपाई जो सारी है ये भी हिलती है, और साथ में मोहम्मद सुबान जो फिर वो भी हिलना शुरू हो जाते। क्या कर रहे हो? ये क्या है? गजर पकड़ी हुई है मोहम्मद सुबान।